welcome back to my channel and I am going to do a challenge video today. So I am in Chanpat Market, Delhi and I am going to do a 1500 rupees challenge जहाँ पे मैं 1500 रुपए में maximum चीजें क्या क्या खरीद सकती हूँ. So I am going to buy a lot of stuff. I hope I am going to buy a lot of stuff in rupees 1500. So let me just start my shopping. Let me just start this day with amazing shopping. Before I go and start my shopping, I thought I'd just tell you this Chanpat Market के बारे में कुछ. That this is a very small market. This is just a lane which is having some stuff for girls, for kids, and for male gents. So yeah, this is quite amazing, and you will get amazing silver jewelry here in throw away prices. So I think I have good amount to buy a lot of stuff. So yeah, let's start the shopping. तो यार गाइस, ये जो मार्केट है ये अराउंड 11 AM टू 8 PM तक ओपन रहता है और यहाँ पे पूरा स्ट्रीट शॉपिंग का आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है. बट द थिंग इज़ मार्केट इज़ नॉट वेरी बिग. मार्केट बहुत ही छोटी है, एक जस्ट लेन है जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है कम प्राइसेस में. और यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलती हैं और बहुत ही कम पैसों में. लेकिन यहाँ के लोग ना ज़्यादा बार्गेनिंग करते नहीं हैं, उनके ऑलमोस्ट फिक्स्ड प्राइस रहते हैं. लेकिन जो भी उनके फिक्स्ड प्राइस होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं. तो आप आराम से 1500 रुपीज़ में काफ़ी कुछ खरीद सकते हो. तो इस मार्केट में कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स और कुछ होम डेकोर आपको ज़रूर मिल सकता है, पर यहाँ पे कोई भी फुटवेयर का शॉप मुझे नहीं मिला. सो मैंने ये चैलेंज लिया है जिसमें मैं 1500 में मैक्सिमम चीज़ें खरीद सकती हूँ, इंक्लूड्स ज्वेलरी एंड क्लोथ्स. सो लेट्स स्टार्ट शॉपिंग. So yeah guys, I have started my shopping and मैंने जो पहला पीस खरीदा है वो है इयररिंग का पीस, which is of 1500. Let me buy some more. और पता है इस मार्केट का बेस्ट चीज़ ये है कि एक बहुत छोटी सी मार्केट है, तो आप इसमें बिल्कुल भी थकने वाले नहीं हो. तो आप इसमें अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, किसी को भी अपने साथ ला सकते हो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है. लेकिन यहाँ पे अमेजिंग स्टफ है, आप ज़रूर चाहिए. ऑलराइट गाइस, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि मैं 1500 रुपीज़ में क्या क्या लाई हूँ. हाँ, थोड़ा टफ लगा मुझे 1500 में, बट स्टिल आई हैव गॉट सम आइटम्स. सो लेट मी क्विकली शो यू. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पहले आइटम से, जो कि है एक ए लाइन टॉप इन वाइट कलर. और ये इसका कुछ पैटर्न इस तरह से है ये, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो हैं बेल स्लीव्स, जो कि आजकल काफ़ी फैशन में है. तो जो टॉप है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ पहनना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू है. बट जो टॉप का फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, और ये जो पैटर्न है काफ़ी ट्रेंडी लगा मुझे. ये ना पहन के बहुत ही नीट लुक दे रहा है, जो कि काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी फेमिनिन लुक दे रहा है ये. तो इसको एक कोई टाइट स्कर्ट्स जो होते हैं उनके साथ पहना जा सकता है, प्लाजो के साथ भी पहना जा सकता है, बट मैं इसको पेयर कर रही हूँ अपनी जीन्स के साथ. और ये तो बहुत ही अमेजिंग टॉप है. ये टॉप मुझे मिला विदाउट एनी बार्गेनिंग रुपीज़ 250 में. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और ये है एक कुर्ती टॉप जो कि कुर्ती पैटर्न में है. और ये ना ये वाला जो पैटर्न है मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ ही रही थी, क्योंकि इसकी ना कुर्तियाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं जो लंबी होती हैं. बट मुझे ये टॉप बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें है ओम्ब्रे इफेक्ट, और जो ओम्ब्रे इफेक्ट है वो भी एक बहुत ही अच्छे कलर्स का है, ग्रीन एंड ब्लू का. तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और उसके पास केवल एक ही पीस बचा था. मैंने ट्राई किया था बार्गेनिंग का, मैंने इसको 200 का बोला था और ही कोटेड में अराउंड 350 का. फाइनली हम दोनों सेटल हुए 250 पर. ओके, जो ये अगला टॉप है ना ये मेरे ऑफिस के लिए बहुत ही मस्त है. आई लाइक द पैटर्न की यहाँ पे जो बस्ट एरिया है वहाँ पे उन्होंने कुछ थ्रेड वर्क दिया है, और नीचे ये एक ए लाइन और यू कैन से पेपलम काइंड ऑफ टॉप है. ये जो टॉप है ये भी मुझे 250 रुपीज़ में ही मिला है, तो इट वॉज अ ग्रेट डील. इस टॉप की स्लीव्स पर कुछ इलास्टिक हैं जो कि आपकी स्लीव्स को इधर उधर होने नहीं देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. और बाकी जो है टॉप का ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी ब्रीजी है. इस समर के लिए तो मुझे ये परफेक्ट ही लगा, तो मैंने कहा कि आई शुड नॉट लीव दिस, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन.
ओके, तो जो ये अगला है वो है एक पैंट. ये जो पैंट है वो है कॉटन फैब्रिक की पैंट. ये काफ़ी सारे कलर्स में भी थी एंड इट इज़ अ हाई वेस्ट बटन पैंट जो कि यू नो काफ़ी अच्छी लगी मुझे. यहाँ पे पीछे इसमें ना एक इलास्टिक भी है जो कि आपकी वेस्ट को अगर आपकी सेट नहीं हो रही तो आराम से वो यू नो सेट हो जाती है. और ये मुझे मिला है केवल 200 रुपीज़ में. मुझे लगा था ना ये पैंट बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाली है, बट ये पहन के मुझे बहुत ही मस्त लगी, काफ़ी क्लासी लगी एक्चुअली में. तो इट वॉज़ अ ग्रेट डील. और वहाँ पे और भी बहुत टाइप के पैंट्स थे गाइस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेसरीज. और एक्सेसरीज में है ये पहला वेस्ट बेल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी है. ये ब्लू कलर का है और बहुत इजीली यू नो आपके वेस्ट पे फिट हो जाता है. ये मुझे मिला केवल 100 रुपीज़ में. मेरे को जब ये मिला था आई वॉज सो हैप्पी कि यू नो 100 रुपीज़ में मुझे एक बेल्ट मिल गया. एंड आई वॉज लुकिंग आउट फॉर दिस काइंड ऑफ बेल्ट बिकॉज मैं मैक्सी ड्रेसेज और यू नो एक लूज शर्ट के साथ इनको पेयर करने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं. तो जो अभी आप नेक पीस देख रहे हो ना, ये बहुत ही प्रिटी है. मतलब जब मैंने इसको देखा एक्चुअली में, मैं आपको बताऊँ, ये मुझे केवल 50 रुपीज़ में मिला है. कैन यू बिलीव इट. तो जनपथ मार्केट के स्टार्टिंग में ही ना एक लेफ्ट हैंड साइड पे शॉप थी जो कि यू नो एवरी एक्सेसरीज जो भी था उसके पास वो 50 रुपये में दे रहा था. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा मुझे, काफ़ी सारे आइटम्स थे बट मुझे ये पीस मिला. और एक और पीस है जो कि आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे. ये वाला तो मुझे 50 रुपीज़ में मतलब लगा कि मेरा तो जैकपॉट ही लग गया. बहुत ही क्यूट लगा ये पहनकर. ये है वो दूसरा पीस जो कि मुझे 50 रुपीज़ में ही मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आपने देखा होगा बट 50 रुपीज़ में आई डोंट थिंक सो आपने कभी ख़रीदा भी होगा. सो आई एम रियली हैप्पी विद द कलर और ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा मेरा किसी भी ड्रेस पर. और इसका ना बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको एथनिक और किसी भी यू नो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो. तो 50 रुपीज़ में और क्या चाहिए. तो अब आ जाते हैं हम इयर रिंग्स पे. और ये पेयर ऑफ इयर रिंग्स मुझे बहुत ही क्लासी लगा. एक्चुअली मार्केट में ना बहुत सर्कुलर करेंगे ये इयर रिंग्स बहुत सारे थे तो ये वन ऑफ द इयर रिंग्स जो कि मेरे को बेस्ट लगा. आई हैव गॉट दिस वन ऑफ ₹100. दिस वॉज द फर्स्ट आइटम जो कि मैंने खरीदा था जनपथ में. सब हैं ये बालीज जो कि बहुत ही क्यूट हैं. बहुत ही सिंपल से एयरिंग है मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा यू नो इसमें कुछ बात है जो कि आपके एक किसी भी एथनिक आउटफिट को ना एकदम ग्लैम अप करने वाली है. ऐसा लगे ज़्यादा कुछ किया नहीं है बट कुछ किया है यू नो. इयररिंग्स बहुत प्यारे हैं और ये मुझे मिले 50 रुपीज़ में. और इसके बाद आते हैं ये वाले इयर रिंग्स जो कि यू नो किसी भी एवरीडे आउटफिट पे आप पहन सकते हो. एथनिक वेस्टर्न हाउ एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर देम. आई गॉट देम इन ₹50. सो ये वाले जो इयर रिंग्स हैं मैंने कैसे स्टॉल से पिक किए थे जहाँ पे जो भी एक्सेसरीज थे इयर रिंग्स रिंग्स वो सब कुछ 30 रुपीज़ में मिल रहे थे. तो मुझे लगा यार 30 रुपीज़ में तो इट्स अ गुड डील. सो आई हैव गॉट दीज इयर रिंग्स और ये यू नो वेस्टर्न आउटफिट पे पहन सकते हो. ये वाले इयर रिंग्स भी सेम स्टॉल से हैं. आई हैव गॉट देम इन ओनली ₹30 और ये बहुत लाइट वेट हैं गाइज. यू नो नो मैटर ये बड़े हैं काफ़ी लेंदी हैं बट ये बहुत ही लाइट वेट है. ऐसा लगे कुछ पहना ही नहीं है. सो आई हैव गॉट दीज वन फॉर माई वीडियोज. नेक्स्ट अप है ये प्यारे से इयर रिंग्स गाइज. यू वॉन्ट बिलीव मी ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिले हैं बट एक्चुअली में ये बहुत ही प्रिटी पीस है जो कि बहुत ही इसका लेंथ भी अच्छा है. थोड़े से हैवी हैं बट एथनिक के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है. और लास्ट पेयर ऑफ इयर रिंग्स हैं ये जो कि मुझे मिले हैं 30 रुपीज़ में. ये यू नो एवरी डे काइंड ऑफ इयर रिंग्स हैं जो कि आप अगेन इंडियन और वेस्टर्न के साथ पहन सकते हो. गाइज इतना सब कुछ खरीदने के बाद मेरा टोटल हुआ 1490 और आई थिंक मैंने ये 1500 रुपीज़ का चैलेंज एकदम फ्लाइंग कलर्स में कंप्लीट किया है. 10 रुपये में तो मुझे वहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं मिलता. So yeah guys, I hope you like the video and I hope you like whatever items I have got from Janpath. You should definitely try once. So yeah guys, please subscribe to my channel for more videos. I'll see you in the next one. Till then you take care. Bye.